हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारा कोलेसिस्टाइटिस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम देखते हैं तो ये डिजीज़ ऑफ गॉल ब्लैडर के अंतर्गत आती है, जिसमें हमने कोलेलिथियासिस के बारे में पहले ही बात कर लिया। तो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर हमने लिंक दे दी है, या ऊपर आई बटन पर अभी आपको मिल जाएगा उसके वीडियो की लिंक, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कोलेसिस्टाइटिस। इस वीडियो में हम जानेंगे कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, इसके इटियोलॉजी क्या है, मीन्स कॉजेस क्या हैं, किस कारण से होता है, कैसे होता है, पैथोलॉजी इटियोपैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसके क्लिनिकल फीचर्स जिसमें हम साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करा सकते हैं, कैसे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि दिस इज कोलेसिस्टाइटिस, और लास्ट में हम देखेंगे मैनेजमेंट, आइदर सर्जिकल और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और कुछ ना समझ में आए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कोई भी नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उसका भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोलेसिस्टाइटिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है। व्हाट इज कोलेसिस्टाइटिस? सो सिंपल सा डिफिनेशन है कि इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलेसिस्टाइटिस। ओके, टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोलेसिस्टाइटिस के दो टाइप्स होते हैं, पहला हमारा एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस और दूसरा हमारा क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के बारे में। जो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, इट अकर्स इन अबाउट 1/5 ऑफ पेशेंट, फर्स्ट प्रेजेंट विद एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं उसमें सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन आता है वो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के सिम्टम्स से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। टाइप्स के बारे में बात करते हैं, तो पहला है इसमें हमारा एक्यूट कैलकुलस एंड एक्यूट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। ठीक, एक्यूट कैलकुलस एंड एक्यूट ए कैलकुलस। सो जो पहला हमारा कैलकुलस है, तो कैलकुलस मतलब स्टोन और कैलकुलाई। सो दिस इज कॉज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ कैलकुलाई ड्यू टू विच देयर इज स्टैग्नेशन ऑफ बाइल सॉल्ट और स्टेसिस ऑफ बाइल सॉल्ट। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन एंड हेंस इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस। ठीक, एंड दिस इज द कॉमनेस्ट वैरायटी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड टाइप की बात करते हैं, वो कि हमारा एक्यूट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। इसमें क्या है, इट इज सीन इन पेशेंट हु आर रिकवरिंग फ्रॉम मेजर इलनेस, एंड दिस इज कॉल्ड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्टोन एंड दिस इज नॉट द कॉमन वैरायटी। ओके, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्यूट कैलकुलस और एक्यूट ए कैलकुलस में? तो कैलकुलस में स्टोन पाया जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस भी बोल रहे हैं, और इस जो ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। जबकि हमारा एक्यूट ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, इसमें स्टोन नहीं पाया जाता, ये उन पेशेंट में होता है जो कि रिकवर कर रहे हैं किसी मेजर इलनेस से। ठीक, और इसको हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं एंड इट इज नॉट कॉमन। अब बात करते हैं हम इडियोपैथोलॉजी की। तो मेनली चार कॉजेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कोलेसिस्टाइटिस के लिए। पहला है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल, दूसरा है केमिकल इरिटेशन, तीसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और चौथा है हमारा पैंक्रियाटिक रिफ्लक्स। तो अगर हम बात करते हैं पहले कॉज की, जो कि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, तो बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हो रहा है? तो सिस्टिक डक्ट में स्टोन के प्रेजेंट होने के कारण वहाँ पे बाइल का स्टेसिस होता है, जिसकी वजह से स्टेसिस होने के कारण जो गॉल ब्लैडर का वॉल है उसमें एडेमा होता है, और फर्दर इन्फेक्शन के बाद वहाँ पे एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस डेवलप होता है। तो एक कॉज ये होता है। दूसरा हमारा केमिकल इरिटेशन। केमिकल इरिटेशन कैसे हो रहा है? तो केमिकल इरिटेशन जो हमारा वहाँ पे स्टोन था, स्टोन क्या करता है, जो वहाँ पे म्यूकोसा की लेयर है जो गॉल ब्लैडर की, उसको इरोड करता है, वहाँ पे इरोजन करता है, जिसकी वजह से जो सब म्यूकोसल टिश्यू हैं वहाँ पे बाइल एक्ट करता है, बिकॉज बाइल इज टॉक्सिक टू दीज टिश्यूज। तो सब म्यूकोसल टिश्यू पे एक्ट करने के कारण वहाँ पे निक्रोसिस देखने को मिलती है, साथ ही साथ वहाँ पे फर्दर इन्फेक्शन एंड ऑफन इट लीड टू गॉल ब्लैडर परफोरेशन। तो ये हो गया केमिकल इरिटेशन। बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो गॉल ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं, कि गॉल ब्लैडर को इन्वेड कर जाते हैं आइदर थ्रू ब्लड, लिम्फैटिक्स, बाइल डक्ट और सराउंडिंग वेसरा के कारण।
तो मेनली जो रिस्पॉन्सिबल हैं बैक्टीरियाज वो है हमारा, जो मोस्ट कॉमन है वो है हमारा ई कोलाई, इसके अलावा क्लेपसेला है, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्यूडोमोनास है, क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची है, ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो कोलेस्टेटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाटिक रिफ्लक्स, तो जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमारी पैंक्रियाटिक डक्ट है, जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है, ये दोनों ओपन होते हैं कहाँ पे, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूओडेनम। तो किसी भी कारण से जब पैंक्रियाटिक जूस या पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज के एंजाइम्स जो होते हैं वो कॉमन बाइल डक्ट से होके गॉल ब्लैडर में पहुंच जाते हैं, तो उसके कारण वहां पे जो पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज, एमाइलेज या प्रोटीएज के कारण गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं एंड फर्दर इट लीड टू एक्यूट कोलेस्टेटिस। तो पैंक्रियाटिक रिफ्लक्स हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, केमिकल इरिटेशन हो गया और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल, तो ये सारे हमारे एटियोपैथोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं पैथोलॉजी के बारे में, मतलब क्या होता है वहाँ पे अगर ऐसे ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो सबसे पहला है कि जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पे बाइल स्टेसिस के कारण गॉल ब्लैडर जो होता है वो डिस्टेंड हो जाता है एंड ड्यू टू इन्फ्लामेशन एंड एडेमा जो गॉल ब्लैडर का कलर हो जाता है वो वहाँ पे ब्राइट रेड इन कलर हो जाता है। इसके अलावा म्यूकोसा सोर्स अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस कैसे हो रही है, हमने बात की थी वहाँ पे केमिकल इरिटेशन के कारण जो बाइल होता है वो सब म्यूकोसल इरोजन करता है और एक्ट करता है ऑन दिस टिश्यू एज टॉक्सिन, सो देयर इज नेक्रोसिस एंड अल्सरेशन। इसके अलावा जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन में कंटेन इन्फेक्टेड फ्लूड, इन्फेक्टेड बाइल और फ्रैंकस, ठीक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे बाइल का या जो भी फ्लूड है वहाँ पे उनका इन्फेक्शन हो जाता है, सो दे गेट इन्फेक्टेड एंड ऑल्सो पस फॉर्मेशन अकर्स। इसके साथ ही साथ एम्पाइमा देखने को मिलता है फिल्ड विद पस, गॉल ब्लैडर फिल्ड विद पस। साथ ही साथ अगर हम हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में देखते हैं तो इट शोज एक्यूट इन्फ्लामेशन विद न्यूट्रोफिल्स, एडेमा एंड एरियाज ऑफ नेक्रोसिस एंड सेल डेथ। सो दीज आर द पैथोलॉजी जिसमें गॉल ब्लैडर डिस्टेंड हो रहा है जो, और कलर कैसा हो रहा है, ब्राइट रेड इन कलर। म्यूकोसा कैसे हो रही है, म्यूकोसा सोज अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस। ल्यूमन कैसे हो जा रहा है, ल्यूमन कंटेन्स इन्फेक्टेड फ्लूड, इन्फेक्टेड बाइल और फ्रैंकस। एम्पाइमा देखने को मिल रहा है और हिस्टोलॉजी में हमको वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है जो कि विथ न्यूट्रोफिल्स, एडेमा एंड नेक्रोसिस एंड सेल डेथ। ओके, तो ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी। सो अब बात करते हैं हम क्लिनिकल फीचर्स की। तो मेनली पेन देखने को मिलता है, द पेन इज ऑफ एगोनाइजिंग पेन, मतलब इट इज डिस्टर्बिंग, वेरी सीवियर, टॉर्चुअस। सो एगोनाइजिंग पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड इट रिफर टू लोअर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला, ठीक है। तो कहाँ पे पेन देखने को मिलता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में एंड इट इज रिफर टू लोअर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला। साथ ही साथ इन द रीजन ऑफ गॉल ब्लैडर और इन द रीजन ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम देयर इज टेंडरनेस, मसल गार्डिंग एंड रिजिडिटी एंड पेन यूजली अकर आफ्टर हैवी और फैटी मील, ठीक है। इसके साथ ही साथ पेन, जॉइंटिस एंड फीवर हम देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों जो सिम्टम्स हैं अगर ये एक साथ देखने को मिलते हैं इसको हम बोलते हैं चारकोट्स ट्रायड। तो पेन, जॉइंडिस और फीवर जब एक साथ देखने को मिलते हैं तो हम बोलते हैं चारकोट्स ट्रायड, ये देखने को मिल सकता है। टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है, पैल्पेबल टेंडर मास इन गॉल ब्लैडर रीजन, बिकॉज गॉल ब्लैडर की जो साइज होती है वो बढ़ जाती है, तो देयर इज अ पैल्पेबल टेंडर मास कैन बी फेल्ट इन गॉल ब्लैडर रीजन। साथ ही साथ नौजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, मर्फी साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। वॉट इज मर्फी साइन, मीन मर्फी साइन इज अ कंडीशन इन विच देयर इज सडन कैच ऑफ ब्रीथ ड्यू टू पेन ऑन पैल्पेशन ऑफ राइट सबकोस्टल रीजन ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन, ठीक है। तो एक ऐसा साइन है जहाँ पे हम अगर हम राइट सबकोस्टल रीजन में पैल्पेट करते हैं ऑन डीप इंस्पिरेशन तो देयर इज सडन कैच ऑफ ब्रीथ ड्यू टू पेन, दिस कॉल्ड मर्फी साइन। अगर ये पॉजिटिव है सो वी कैन से दिस इज एक्यूट कोलेस्टेटिस। साथ ही साथ बोआ साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इट इज एरिया ऑफ हाइपरथेसिया बिटवीन 9th एंड 11th रिब्स पोस्टीरियरली ऑन राइट साइड, ठीक है। हाइपरथेसिया मतलब पेन, तो पेन होता है कहाँ पे, 9th एंड 11th रिब्स पोस्टीरियरली ऑन द राइट साइड।
तो बोआज साइन पॉजिटिव होता है, मर्फी साइन पॉजिटिव होता है और चारकोट ट्राइड आपको देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ कोलेसिस्टेटिस। और पेन कैसा रहेगा, एगोनाइजिंग पेन रहता है दैट अकर इन राइट हाफ एकॉर्डिन एंड इट इज रिफर्ड टू राइट एंगल ऑफ राइट लोअर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला। ठीक, ये हो गया हमारा क्लिनिकल फीचर्स। अब बात करते हैं कोलेसिस्टेटिस में हम कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। तो पहला है हमारा CBC, तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये अगर हम CBC करवाते हैं तो हमको इस रिपोर्ट में देखने को मिल सकता है कि जो WPC काउंट है या TLC काउंट है वो बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन। सेकेंड हमारा जो है एक्सरे एब्डोमेन है, इसमें क्या देखने को मिल सकता है, अगर हम एक्सरे एब्डोमेन करवाते हैं तो इसमें हमको मर्सिडीज बेन साइन देखने को मिल सकता है या सीगल साइन देखने को मिलता है। ये किस कारण से देखने को मिलता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेडियोलुसेंट गैस इन द सेंटर ऑफ गॉल स्टोन। अगर गॉल स्टोन प्रेजेंट है तो रेडियोलुसेंट गैस के प्रेजेंट होने के कारण हमको ये साइन देखने को मिल सकता है, मर्सिडीज बेन साइन और सीगल साइन। ठीक है, इसके अलावा हम यूजी कर सकते हैं, यूजी कैन टेल बिलेरी प्रेजेंस ऑफ बिलेरी कल्कुलाई और नॉट, साइज ऑफ गॉल ब्लैडर, साइज थिकनेस ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लामेशन एंड साइज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो क्या क्या बता सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी में, तो इट कैन डेमोन्स्ट्रेट हम बिलियरी कॉलिट, साइज ऑफ गॉल ब्लैडर, थिकनेस ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, साइज ऑफ कॉमन बाइल डक्ट एक्सेट्रा। सिटी स्कैन हम करा सकते हैं, सिटी स्कैन से हमको लीवर, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज, इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल सकता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। साथ ही साथ MRCP करा सकते हैं, MRCP क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैंक्रियोटिकोग्राफी। तो ये क्या होता है, इसमें हम गॉल ब्लैडर और ब्लेरी सिस्टम के इमेजेस को देखने के लिए इसको करा सकते हैं कि क्या पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। साथ ही साथ ERCP करा सकते हैं, तो ERCP क्या होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्राफ कोलेंजियो पैंक्रियोटिकोग्राफी। तो इसमें क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ साइड व्यूइंग एंडोस्कोप हम क्या करते हैं, डायरेक्टली बाइल डक्ट में इंजेक्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट सॉल्यूशन का, जिसकी वजह से हम एक प्रॉपर डक्टल एनाटॉमी की इमेजेस देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या पैथोलॉजी डेवलप हो रही है। साथ ही साथ हम ऑब्स्ट्रक्शन के कॉजेज को फाइंड कर सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन का कॉज क्या है, क्या ये स्टोन के कारण हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन या कोई मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर के कारण हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन। इसके बाद हम PTC करा सकते हैं, ये भी सेम है, क्या कहते हैं इसको, परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। इसमें भी हम यही चीज़ देखते हैं, डक्टल एनाटॉमी और बिलियरी ट्री की एनाटॉमी के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में। साथ ही साथ LFT करा सकते हैं, इसमें हमको रेज्ड LP देखने को मिल सकता है, ALT देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ERCP है इसको हम बहुत थेरापेटिक एंड डायग्नोस्टिक टेक्निक के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके हम डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और थेरापेटिक के लिए भी यूज़ करते हैं। थेरापेटिक के लिए कैसे यूज़ करेंगे, ERCP के थ्रू हम थेरापेटिक इंटरवेंशन कर सकते हैं, जैसे स्टोन रिमूवल कर सकते हैं, स्टेंट प्लेसमेंट कर सकते हैं टू रिलीव ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, जैसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए हम पहले जाएंगे एक्यूट कोलेसिस्टेटिस में, इसमें हमको पेशेंट को नील पर माउथ रखना है और इंटरवेनस फ्लूड का एडमिनिस्ट्रेशन करना है। साथ ही साथ नेजोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन एनाल्जेसिक दे सकते हैं फॉर पेन मैनेजमेंट ऑफ पेन, मॉर्फिन एंड पेटिडिन शुड बी अवॉइडेड। मॉर्फिन और पेटिडिन इस वजह से अवॉइड कर रहे हैं कि जो हमारा इंस्पेक्टर ऑफ ODI है वहाँ पे ये स्पाज्म डेवलप कर देते हैं, इस वजह से हम मॉर्फिन और पेटिडिन के अलावा कोई भी एनाल्जेसिक यूज कर सकते हैं फॉर रिलीविंग द पेन। साथ ही साथ इन्फेक्शन के लिए हम वहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज का यूज कर सकते हैं, जैसे सेप्टोटॉक्सिन, सेप्ट्रियोक्सोन हमारा हो गया, एमिकासिन हो गया, ट्रोब्रामाइसिन हो गया, सेफोपेराजोन हो गया और सेप्टाजेडीम हो गया। साथ ही साथ हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे और अगर जरूरत पड़ती है हम तो वहाँ पे कोलेसिस्टेक्टोमी करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं क्रोनिक कोलेसिस्टेटिस क्या होता है। क्रोनिक कोलेसिस्टेटिस क्या है, इट इज़ अ क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड थिकन गॉल ब्लैडर विच इज नॉन फंक्शनल डी नॉन डिस्टेंडिंग। तो एक ऐसा गॉल ब्लैडर जो कि क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड हो गया है, थिक हो गया है और जो कि
नॉन फंक्शनल है और नॉन डिस्टेंडिंग है। इसके अलावा कैसे हो रहा है ये, रिकरेंट अटैक्स ऑफ कोलेसिस्टेटिस कन्वर्ट गॉल बैडर इंटू फाइब्रोस कॉन्टेक्टेड एंड श्रंकिन एंड स्मॉल गॉल बैडर। तो ये होता है हमारा कोलेसिस्टेटिस। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें भी हमको पेन इन राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलता है, या इसको हम बोल सकते हैं हाइपोगैस्ट्रियम रीजन में देखने को मिल सकता है, विच इंक्रीजेज आफ्टर मील। और पे इसका भी पेन जो होता है वो रिफर होता है हमारा लोअर एंगल ऑफ राइट स्कैपुला। साथ ही साथ पेशेंट जो होता है वो इनटॉलरेंस होता है फैटी मील के लिए, अगर फैटी मील खा लेता है या हैवी मील ले लेता है तो पेन बढ़ जाता है। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकता है, फ्लैटुलेंट डिस्पेप्सिया बेल्चिंग देखने को मिल सकता है, पोस्ट साइबल डिस्टेंशन ऑफ मील मतलब आफ्टर मील एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है, और पॉजिटिव मर्फी साइन देखने को मिल सकता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं हमारे क्या कहते हैं क्रॉनिक कोलेसिस्टेटिस। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, मैनेजमेंट कोलेसिस्टेटिक इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोलेसिस्टेक्टोमी इज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोलेसिस्टेटिस। ठीक है, तो कोलेसिस्टेक्टोमी कर लेते हैं। तो अगर आपको कोलेसिस्टेक्टोमी कैसे करते हैं पूरा प्रोसीजर जानना है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, तो मैं उस पर एक नई वीडियो डाल दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।